हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये अमेजिंग रेसिपी जो कि है प्रॉन मसाला करी। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि प्रॉन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए पहले मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को हीट करा है। इसी तेल में मैंने फ्राई किए हैं प्रॉन्स, इसलिए ये जो तेल है इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इसमें ऐड करा है 1 चम्मच जीरा, 1 लार्ज प्याज लिया है मैंने, बड़ा प्याज लिया है जिसको चॉप कर लिया था, उसको भी ऐड कर दिया इस तेल में। उसके साथ साथ 4 से 5 करी लीव्स और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इसको सौते कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। ज़्यादा इसको हमें ब्राउन नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये प्याज चाहिए बिल्कुल ट्रांसलूसेंट, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए, सिर्फ इतना ही इस प्याज को पकाना है हमको। तो इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ फ्राइड प्रॉन्स का, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के बीच में या एंड में दे दूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये रेसिपी अपने चैनल पर बना चुकी हूँ फ्राइड प्रॉन्स की। तो आप उसे देख सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं प्रॉन्स को इस रेसिपी में ऐड करने के लिए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सौते कर लिया है उसको। और उसके बाद ऐड कराया है मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ रफली चॉप किए हुए टमाटर। कोशिश करें कि इस रेसिपी को बनाने के लिए लाल रंग के टमाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ये करी जो है लाल कलर की बनकर आती है तो बहुत ही टेम्पटिंग लगती है दिखने में। तो टमाटर को हल्का सा गला लेते हैं, 1-2 मिनट तक पका लेते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई स्पाइसेस। तो पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो डेफिनेटली कम कर सकते हैं लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी ऐड करी है, तो तीखा अगर कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च कम कर सकते हैं। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ मैं। और इसके साथ साथ इसमें ऐड करूँगी 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसको अब। तो 2-3 मिनट तक इसी तरीके से पका लेते हैं सब मसालों को टमाटर और प्याज के साथ। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर आया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 0.5 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद मैं लिड से इसको कवर करके कुछ देर के लिए पकाऊंगी, ताकि जो टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये ढक्कन लगा दिया है इसका और थोड़ी देर के लिए इसको पकाते हैं, करीब 3-4 मिनट के लिए। और ये 3-4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये जो करी है वो बॉईल हो रही है, और ऊपर आपको सरफेस पे दिख रहा होगा ऑयल, लेकिन पानी अभी स्टिल इसमें है। तो ये थोड़ा सा पानी हमको चाहिए थोड़ा प्रॉन्स इसके अंदर कुक करने के लिए, ताकि जो प्रॉन्स है वो अच्छे से मसाले को भी अब्सॉर्ब कर लें। लेकिन इस करी को जो मैं बनाऊंगी तो वो सेमी ड्राई फॉर्म में बनाऊंगी, क्योंकि प्रॉन्स ऑलरेडी अपने आप में बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं 1/2 kg फ्राइड किए हुए प्रॉन्स। प्रॉन्स जो है मैं ऑलरेडी क्लीन करा कर लेकर आई थी, उसके बाद उसको अच्छे से आटे और नींबू से मैंने मसल मसल के वॉश किया है और उसके बाद फ्राई किया है, जिसकी रेसिपी आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बीच में, या फिर आप एंड में चेकआउट कर सकते हैं इस रेसिपी को, जो कि फ्राइड प्रॉन्स की रेसिपी है मेरे चैनल पर। तो प्रॉन्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको लिड लगा दिया 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल पानी सुखा लिया है मैंने इसमें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेमी ड्राई फॉर्म में ये प्रॉन्स बनकर तैयार हैं। तो जो हम फ्राइड प्रॉन्स इसमें ऐड करते हैं वो एक्चुअली में इस डिश का टेस्ट बहुत ही एनहांस कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ्राई प्रॉन्स ज़रूर करके ऐड करके ऊपर बनाएं, और बहुत ही आपको डिफरेंस पता चलेगा फिर प्रॉन मसाला करी का। तो एंड में ऐड कर दिया है कटा हुआ धनिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको करते हैं गर्मा गर्म सर्व। गर्मा गर्म इसको हम सर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, पराठा के साथ, नान के साथ, ये सब चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, क्योंकि इसके मसाले की जो कोटिंग है वो प्याज टमाटर और मसालों की जो कोटिंग है बहुत ही यमी है। और साथ साथ इसमें है प्रॉन्स, तो वो है सोने पे सुहागा। तो बहुत ही बढ़िया इजी सी रेसिपी है, अगर आप इसको ट्राई करें तो ज़रूर लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ हिट कीजिए लाइक का बटन, और डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई रेसिपीज़। यू गाइज हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, एंजॉय, टेक केयर।